इस वीडियो में हम टाइगर को लड़वाने जा रहे हैं जंगल के एक और ताकतवर जानवर से, जिसका नाम है गोरिल्ला। वैसे तो गोरिल्ला अब सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। पहले इंडिया में गोरिल्ला की एक प्रजाति पाई जाती थी, पर अब वो यहाँ से पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। इस प्रजाति का अंतिम गोरिल्ला 41 साल तक जीने के बाद 26 अप्रैल 2014 को मैसूर की चिड़ियाघर में मर गया। इसका नाम पोलो था। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये गोरिल्ला प्रजाति की अफ्रीका में पाए जाने वाली गोरिल्ला की एक प्रजाति है, पर इंडिया में इन्हें चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाने के लिए रखा था। टाइगर की बात करें तो टाइगर सिर्फ एशिया महाद्वीप पर रहते हैं, मतलब आज तक टाइगर और गोरिल्ला कभी आमने सामने नहीं उतरे। और अगर कभी पहले पुराने टाइम में आमने सामने हुए होंगे तो इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों जानवर कभी आमने सामने हुए तो कौन जीतेगा? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों जानवरों के पावर्स के बारे में। एक बात हम बता दें कि गोरिल्ला बंदर नहीं है, यह एप होते हैं। एप प्रजाति में हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटून, गिबंस और बोनापस शामिल है। गोरिल्ला बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन टाइगर से ज्यादा ताकतवर नहीं। टाइगर का वजन लगभग 350 किलो तक होता है, जबकि गोरिल्ला का लगभग 200 किलो तक ही होता है। गोरिल्ला के काटने की ताकत लगभग 1300 पीएसआई की होती है, जबकि टाइगर की सिर्फ 1050 पीएसआई। और यही कारण है कि गोरिल्ला की टक्कर लोग टाइगर से करवाते हैं। गोरिल्ला लगभग 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि टाइगर 70 से 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। टाइगर का पूरा शरीर मस्कुलर होता है, जबकि गोरिल्ला के साथ ऐसा नहीं है। टाइगर में हमला करने की तकनीक होती है, जिससे टाइगर अपने बचपन से सीखता रहता है। टाइगर गोरिल्ला से ज्यादा स्फूर्तीले होते हैं। टाइगर के पंजे गोरिल्ला के पंजों से ज्यादा नुकीले होते हैं। टाइगर पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जबकि गोरिल्ला शाकाहारी। पर कभी कभी गोरिल्ला दीमक और चींटियों के लार्वे भी खाते हैं। जैसा हमने बोला था कि गोरिल्ला बहुत ताकतवर होते हैं, तो ये कितने ताकतवर होते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पूरी तरह से ट्रेन किया हुआ इंसान लगभग 250 किलो तक के वजन को उठा सकता है, लेकिन एक साधारण सा गोरिल्ला 500 किलो के वजन को आराम से उठा सकता है। आकार में टाइगर गोरिल्ला से बड़े होते हैं और यह बहुत बड़ा एडवांटेज है टाइगर के लिए। लेकिन गोरिल्ला ग्रुप में रहते हैं और इसी वजह से टाइगर के लिए गोरिल्ला से भिन्ना टाइगर के लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लेकिन जब बात इकलौते टाइगर और इकलौते गोरिल्ला की होती है तो गोरिल्ला टाइगर के लिए टोस्ट की तरह है। टाइगर एक इकलौते गोरिल्ला को अपने पहले वार से ही मार सकता है। टाइगर और गोरिल्ला की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि टाइगर गोरिल्ला से ज्यादा बड़ा, ताकतवर और गोरिल्ला से तेज भी है। इस वजह से टाइगर गोरिल्ला को आसानी से मार सकता है। और अगर टाइम रात का हो तो गोरिल्ला को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइगर रात में बड़े माहिर शिकारी बन जाते हैं। और हाँ, अगर गोरिल्ला की किस्मत अच्छी रही और गोरिल्ला को पहले वार करने का मौका मिल जाए तो टाइगर मरेगा तो नहीं, पर उससे घायल जरूर हो जाएगा। लेकिन यह आग में तेल डालने जैसा होगा, फिर टाइगर और ज्यादा गुस्सेला हो जाएगा और फिर गोरिल्ला की मौत पक्की हो जाएगी। और अगर टाइगर को हराना है तो गोरिल्ला के झुंड को एक साथ उस पर हमला करना होगा, तभी टाइगर हार सकता है। नहीं तो गोरिल्ला जैसे जानवरों को टाइगर के सामने नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बता देना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।